चलिए थर्ड राउंड का मैच स्टार्ट हो चुका है। मिक्की बॉयज धर्मपुरी पहले बैटिंग कर रही है और नाइट राइडर धर्मपुरी पहले फील्डिंग कर रही है। मैच स्टार्ट। अभी तो ये तो सही, लेकिन कंफर्म नहीं बता सकता मैं। नाइट राइडर की बॉलिंग है, विजय बैटिंग, क्या मालूम क्या है। मिक्की बॉयज मुंबई काफी अच्छी बैटिंग की उन्होंने दोनों ही मैचों में। अब क्या करते हैं, अच्छा शॉट। चलिए मोगली पहली ही बॉल पर आउट हो चुके हैं जो कि काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। गया गया चला गयो रे चलो रे विकेट, बड़ा झटका। इन्होंने दोनों ही मैच में अच्छी बैटिंग की थी अपने अकेले ही। सटी की बिगड़ गई बॉलिंग नाइट राइडर के द्वारा काफी बड़ी टीम दोनों ही। फिर से अपील, लेकिन एम्पायर पर कोई दबाव नहीं। काफी अनुभवी एम्पायर गोलू भाई सिद्दीक, जायद भाई हमारे काफी अनुभवी है, आप उन्हें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जायद भाई को बहुत ज्यादा अनुभव है इनके पास। और जानू काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं 6 रनों के लिए। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जायद भाई का भी काफी अनुभवी है, उनके बालों को देखकर लगाया जा सकता है। फिर से उठाकर मार दिया है, फील्डर मौजूद और अच्छी फील्ड की है, लेकिन बाउंड्री नहीं रोक पाए। 4 रनों के लिए चॉकलेट चौका, 4 रन। मोबाइल तुम्हारा ही नहीं लिया, मोबाइल ये है। अच्छा शॉट, काफी अच्छा शॉट जानू के द्वारा। दर्शकों से मेरा निवेदन, आज के दिन का तीसरे राउंड का मैच चल रहा है ये, मिक्की बॉयज धर्मपुरी वर्सेस नाइट राइडर धर्मपुरी। प्लेयर पे किसी भी तरह की विवाद की स्थिति ना बने, 108 का ध्यान रखें। क्षेत्र में फिर से मारना चाहते थे, एम्पायर पर कोई दबाव नहीं। ओवर की समाप्ति, टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 17-17 पे खतरा, 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छा शॉट ऑफसाइड की दिशा में, लेकिन 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इधर प्लेयर है भैया, गेप ढूंढते हैं, कवर में मारते हैं, इनका फेवरेट शॉट कवर में खेलते हैं ज्यादातर। हमने इनकी काफी बैटिंग देखी है। ऋतिक भाई, जानू भाई को तो हम जानते हैं, हमारे साथ काफी लंबे अरसे से ये टेनिस खेल रहे हैं, अच्छे लंबे लंबे हिट लगाते हैं, बॉलिंग भी उतनी तेजी से डालते हैं टेनिस में। अच्छी बॉल, बैट्समैन डॉट हुए, कोई संपर्क नहीं हुआ, अभी तक पूरी तरह से बांध कर रखा है, घुमा कर मारना चाहते थे, लेकिन एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। कोई संपर्क नहीं, लगातार डॉट बॉल। अच्छी बॉलिंग, आउट स्विंग इन स्विंग दोनों ही करवाते हुए बॉलर काफी चतुराई से बॉलिंग कर रहे हैं। आगे बढ़कर मारना चाहते थे, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, 2 रन पूरे किए दौड़कर, काफी अच्छी रनिंग। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 21-21 रन। आकर मारना चाहते थे फिर से फील्डर के हाथ में, लेकिन इस बार 1 ही रन मिलेगा, इतना अच्छा शॉट नहीं था, ताकत भरा नहीं था। अगर आपको बड़े हमारे अकेडमी डिलीट कर देना है, प्लास्टिक में ताकत की बहुत जरूरत। जरा भी मत रहने देना। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 22-2, 22। अरे बल्ले पर कोई तो था नहीं, टीम ने इंपान का इशारा, वाइट बॉल। अगर वाइट और नो बॉल ना डले तो बिल्कुल 50-60 रन होते हैं, लेकिन प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता है। और बिल्कुल खिलाड़ी के हाथ में विकेट पड़े हो, हमारे जानू भाई जो कि हमारे प्रिय मित्र हैं, काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन इस बार
जो कि मिक्की बॉयज के कैप्टन भी है, अच्छी बैटिंग करते हैं। पिछले मैच में उन्होंने 5 से 6 लंबे लंबे हिट लगाए थे। शॉट बेटा, अच्छा शॉट 6 रनों के लिए। ऋतिक भाई अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, काफी सूझबूझ, शॉट है हीरो। पारी अगर इन्हें अच्छा स्कोर बनाना है तो लंबे लंबे हिट लगाने होंगे। शॉट यार हीरा दिशा में उठाकर मार, कुछ कर नहीं पाए 6 रनों के लिए। बहुत अच्छा हीरो, टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 35-35 रन। वो और तीसरा ओवर मार दिया है, कोई डर मौजूद यार हीरो दर्राटे काट रही है। लगातार 6 पे 6 टोटल बहुत टाइम बाद खेल रहे हैं। चलिए तीसरा ओवर रनिंग पर है, 42 रन हो चुके हैं। सुनील भाई का बहुत अच्छा शॉट सिंगल रन के लिए, काफी अच्छी फील्डिंग, 73 रन, वो 43 रन, 1 रन मिले। काफी तेज शॉट था, इतनी अच्छी फील्डिंग, सीधा फील्डर के हाथ में। नाइट राइडर टीम में काफी यंग और युवा खिलाड़ी है, जिससे वो फील्डिंग काफी चुस्त दुरुस्त करते हैं। एम्पायर का इशारा वाइड, अच्छा शॉट स्ट्रेट दिशा में, काफी अच्छा शॉट, बिल्कुल देखते रह गए। 4 रनों के लिए एम्पायर का इशारा, ओवर की समाप्ति का बढ़ता हुआ स्कोर 49-49 रन। कितना तीन ओवर, 3 ओवर की समाप्ति पर बहुत अच्छा शॉट लगाया, देखना है क्या होता है। लेफ्ट साइड की दिशा, बहुत अच्छा कैच, विकेट गया, काफी बड़ा नुकसान। कैप्टन आउट हो चुके हैं। अब अगले बैट्स में देव पटेल, लेदर के हमारे चले न्यू बैट्समैन देवेन आए हैं, ऋतिक स्ट्राइक पर है। ये भी हमारे प्रिय मित्र देव भाई पटेल, इन्हें भी हमें खेलता हुआ देखा, इन्होंने हमें अपने भी इन्हें देखा है। अरे यार जरा क्या कर रहा, चप्पल चप्पल हो गए भाई। शॉट हीरा, अच्छा शॉट, लेग साइड की दिशा में, एम्पायर का इशारा, 6 रनों के लिए छक्का, 6 रन। कंफर्म कर ले, कंफर्म कर ले, चलिए मिस अंडरस्टैंडिंग में 4 रन है, चौका है, हो जाती है। चॉकलेट 4 रन था, बहुत अच्छा शॉट लगाया, अच्छा शॉट, शॉट बेटा अच्छा मार रहा है। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 59-59 रन। अच्छा शॉट, काफी तेज शॉट था, फील्डर मौजूद, हसन भाई अच्छे चुस्त दुरुस्त फील्डर, अच्छी फील्डिंग की उन्होंने और 2 रन मिले। रनिंग तो मैंने धोनी को धुआंधार पीछे के लिए दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि देव भाई पटेल लंबे लंबे हिट लगाए और अपने ये मंडी के जो पत्ते हैं टपा टप बजाएं। शॉट बेटे, बॉल बिल्कुल हसनैन भाई को ढूंढ रही है, एम्पायर का इशारा 4 रनों के लिए। पहले वो इधर लगे थे तो बॉल उधर गई, अब वो उधर चले गए तो बॉल इधर आ गई। चलिए ताकत भरा शॉट मारना चाहते थे लेकिन कोई संपर्क नहीं हुआ। 4 ओवर की समाप्ति, टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 65 रन। चलिए 4 ओवर में 65 रन हुए हैं, लास्ट ओवर लेकर समथिंग जा सकते हैं जो कि एक सम्मान भरा स्कोर होगा। बहुत अच्छा शॉट, शॉट लेकिन 1 ही रन मिलेगा। 66 रन, 5 बोले अभी बची हुई है। ऋतिक भाई ओपनिंग आए थे अपनी टीम के लिए, अभी तक बैटिंग कर रहे हैं, काफी सूझबूझ भरी बैटिंग। उठाकर मारना चाहते थे लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ। 67 रन, मिक्की बॉयज अब तक बहुत अच्छे खेले थे इस मैच में, ओपनर विकेट जल्दी गिर जाने की वजह से स्टार्ट नहीं मिल पाया।
67 रन, चार बॉलें बची। लगाने होंगे मिक्की बॉयज को तो ही वो अच्छा स्कोर खड़ा कर। 68 रन वाइट बॉल, वाइट बॉल सफेद चाक हमारे गोलू भाई सिद्दीक के द्वारा। और इस मैच का लाइव प्रसारण भी चल रहा है। चलिए बहुत अच्छा शॉट देवेन भाई के द्वारा, 74 रन के लिए। छक्का छक्का 6 रन, 74 रन। कली कच्ची कली खेल के बात करें, पहले आप खेलें फिर बात करें। लाइन जल्दी हो रही है, इनको नहीं जम रही, इनको लाओ साइड पर। पता नहीं क्या हुआ, मक्कर मारना चाहते थे। चलिए 75 रन, दो बॉल बची है। कली कच्ची रे 75 रन, तेज मारना चाहते थे। 76 रन लास्ट बॉल बची है। एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 76 रन। छक्का मारना बट लेने बुलेट अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं कभी अभी तक। चलिए ओवर की समाप्ति, 76 रन पर समेट दिए। चलिए मिक्की बॉयज ने 76 रन बनाए, नाइट राइडर को जीत के लिए 77 रनों की जरूरत है। मिक्की बॉयज की फील्डिंग लगते हुए जल्द ही मैच स्टार्ट होगा। चलिए रवि पाटीदार और कौशल ओपनर आ चुके हैं लौट के, और आखिरी सर्कल तक आते आते इनकी पोटली बन जाती है हरी। बहुत सफल कप्तान सुनील भाव, प्लास्टिक में 100 रन इजी बनते हैं। अच्छा शॉट कवर की दिशा में। चलिए दो रन भागकर कंप्लीट किए, ओवर थ्रो देखते हैं कुछ होता। चलिए एक बॉल दो रन, देव भाई अच्छी बॉलिंग करी है इन्होंने पिछले मैच में भी, देखना इस मैच में क्या करते हैं। चलिए दो बॉल दो रन, काफी अनुभव है देवेन भाई द्वारा, बहुत अच्छी बॉलिंग की जा रही है देवेन पटेल द्वारा। बहुत अच्छी बॉलिंग, एम्पायर पर कोई दबाव नहीं, जोरदार अपील। तीन बॉल दो रन, काफी कश्मकश लो स्कोरिंग मैच चलता हुआ। तीन बॉल दो रन वाइट, तीन बॉल तीन रन वाइट बॉल, एम्पायर का इशारा वाइट बॉल। चलिए सिंगल फील्ड और चार बॉल चार रन, संतुष्ट होना पड़ेगा। काफी अच्छी बॉलिंग अभी तक के बांध कर रखा है टीम को। बहुत अच्छा सिक्स, पांच बॉल दस रन। अच्छा शॉट, अब तो थक गए बोल बोल के भी। बहुत अच्छा कैच ड्रॉप किया गया यहां पर। लेकिन चलिए छह रन एक ओवर 16 रन। अभी ओवर की समाप्ति, टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन। अगर मिक्की बॉयज को ये मैच जीतना है तो कुछ ना कुछ चमत्कार करके दिखाना। ऋतिक के द्वारा ही कैच ड्रॉप किया गया, अब ऋतिक बॉल लेकर आए हैं। एक ओवर 16 रन। जो न्यू देख रहे हैं रवि पाटीदार निसरपुर के कप्तान भी है और बहुत अच्छे प्लेयर है। जीत जाते हैं भैया, अच्छा शॉट, काफी अच्छा शॉट। सिक्स रन पार का इशारा, छह रनों के लिए 1.1 ओवर 22 रन। बॉल दे दे यार भैया, आप अंदर आ जाओ, बॉल आ जाएगी सर। जुगनू चलाए, जुगनू चलाए, गो यार भैया। हवा में बॉल, फील्डर नीचे मौजूद लेकिन पहुंच नहीं पाया। तोड़कर चलिए तीन रन कंप्लीट किए, तीन रन पूरे किए,
टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 25-25 क्वार्टर। जुगनू भाई से निवेदन है कि बॉल जल्द से जल्द अंदर फेंक दे। और कौशल रन आउट हो चुके हैं। आत्महत्या करते हैं, हेड शॉट लग गया है, काफी दूर से हेड शॉट मारा था और हरा हरा धुआं निकला है पोटली में से इनकी। धुआं पार थ्रो, धुआं निकला है, धुआं कर दिया है। टूर्नामेंट का सबसे अच्छा थ्रो अभी तक के, डायरेक्ट थ्रो काफी दूर से मारा हमारे शुभम भाई ने। शुभम ने नहीं मारा, ये थ्रो देव पटेल, देवेन पटेल के द्वारा मारा गया है। काफी अच्छा थ्रो मारा देव भाई आपने। चलिए नेक्स्ट बैट्समैन हसनैन आए हैं, जो कि बहुत अच्छे बैट्समैन है। देखना है क्या होता है। और हसनैन भी आउट हो चुके हैं, दो बॉलों में दो विकेट, कौशल और हसनैन आउट हो चुके हैं। फिर से दर्शक ध्यान दे, 108 आपत्तिजनक टिप्पणी ना करें। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 26-26। चलिए 26 रन हुए हैं, दूसरा ओवर रनिंग पर है, 77 रनों का टारगेट है। रवि ले भैया, अच्छी बॉलिंग ऋतिक भाई के द्वारा, दो विकेट चटका, बहुत अच्छा शॉट, चार रनों के लिए। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन। चलिए 30 रन हुए हैं, दूसरा ओवर रनिंग पर है, लेकर के चलते हैं रवि भाई पाटीदार कैप्टन अपनी टीम के, एपीडी प्लेयर्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। चारी तरफ रन मारते हैं, देखना है इस मैच को जिताने के लिए अपनी टीम के लिए क्या करते हैं। अभी तक के अच्छी बैटिंग की इन्होंने, बनेगा। देव भाई पटेल अपनी फील्ड को सजाते हुए काफी चुस्त दुरुस्त, अभी अच्छा थ्रो लगाया था, काफी दूर थे, एटेक्स लगाकर इन्होंने विकेट लिया है। फिर से अच्छा शॉट, दो रन, टीम का बढ़ता हुआ स्कोर ओवर की समाप्ति पर 32 रन। चलिए दो ओवर 32 रन, दो विकेट भी हो चुके हैं, 32 रन हो चुके हैं। न्यू बॉलर देव पटेल आए हैं। देव भाई पटेल काफी अच्छी बॉलिंग की थी इन्होंने पिछले मैच में, फील्डर मौजूद, अच्छी फील्ड, बहुत अच्छी फील्डिंग हमारे जानू भाई, अच्छी फील्डिंग करते हुए इन्होंने पिछले मैच में भी अच्छी बॉलिंग की थी देव भाई पटेल ने, इस मैच में भी लगातार अपनी टीम के लिए संघर्ष करते हुए। बहुत अच्छा शॉट रवि पाटीदार के द्वारा, सीमेंट कंक्रीट भी नहीं रोक पाएगा, 6 रनों के लिए। फिर से अच्छा शॉट, 6 रनों के लिए, लगातार 6 पे 6 टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 45-45 रन। बिल्कुल क्रिकेटिंग शॉट खेल रहे हैं, ऑफ साइड की दिशा में, स्ट्रेट की दिशा में, टाइमिंग से खेलते हैं, ज्यादा ताकत का उपयोग नहीं करते हैं। वन मैन आर्मी रवि भाई पाटीदार, और टू मैन आर्मी जावेद भाई, मेरे बिना बिल्कुल अधूरे थे।
अच्छा शॉट था लेकिन एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वन मैन आर्मी रवि भाई पाटीदार, टू मैन आर्मी जावेद भाई मेरे बिना अधूरे से। फिर से पोटली बन चुकी है, दुर्राटे काट रही हुई पोटली बन चुकी है, आधा धुआं निकल रहा है। गाड़ी है आ चुका है कटली मुंडी का घोर, आवाज आप सुन सकते हैं। अच्छा शॉट छह रनों के लिए, ओवर की समाप्ति पर टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 52। चलिए तीन ओवर में 52 रन हुए, बची हुई 12 बॉलों पे 25 रनों की जरूरत, 12 बॉल 25 रन। जिन्होंने पिछले ओवर में काफी अच्छी बॉलिंग की थी और अपनी टीम को वापसी कराई थी, देखते हैं। चलिए स्ट्राइक पर रवि पाटीदार है और नॉन स्ट्राइक पर दीपू जो कि अष्टविनायक नागौर से खेलते हैं। रजा ने बहुत अच्छी टीम बनाई है, यहाँ पर तीन से चार टीमों के खिलाड़ी रजा की तरफ से नाइट राइडर तरफ से खेल रहे हैं। चलिए 11 बोले 25 रन, बहुत अच्छा शॉट और देव पटेल ने कैच ले लिया है, बहुत अच्छा कैच लिया गया। टीम के लिए काफी जोरदार कैच, ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस मैच के लिए। रवि भाई पाटीदार आउट हो चुके हैं, अच्छी बैटिंग की, 10 बोले 25 रन। देव पटेल सभी फील्डरों को हटाकर खुद गए थे वहां पर, 10 बोले 25 रन। चलिए दीपू स्ट्राइक पर है, 10 बॉल 25 रन, बहुत अच्छी बॉल, 9 बॉल 25 रन, 9 बॉल 25 रन। चार डाल दी बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो, बहुत अच्छा शॉट फील्डर मौजूद और ये कैच, 8 बॉल पर 25 रनों की जरूरत, 8 बॉल पर 25 रनों की जरूरत। 5 विकेट हो चुके हैं, बढ़िया मैच, इन 4 बॉलों में एक भी रन नहीं बनाए हैं, 8 बॉल 25 रनों की जरूरत। अगली बॉल बहुत अच्छी बॉल, 7 बॉलों पर 25 रनों की जरूरत, आपको बता दें 5 बॉलों में एक भी रन नहीं आया है इस ओवर में, 5 बॉल में एक भी रन नहीं आया। चलिए बची हुई 7 बॉलों में 25 रनों की जरूरत, पप्पू स्ट्राइक पर है, शानिल नॉन स्ट्राइक पर है। बहुत अच्छा शॉट 6 रनों के लिए, बचे हुए लास्ट ओवर में 19 रनों की जरूरत, 6 बॉल 19 रन। चलिए देखना है क्या होता है, 6 बॉलों में 19 रनों की जरूरत। सभी समझाइश आते हुए दोनों तरफ के प्लेयर आ चुके हैं समझाने के लिए, देखना है किस तरह से, पहले देखना होगा बॉलर कौन है। आज के दिन का पैसा वसूल मैच, 6 बॉल 19 रनों की जरूरत, शानिल स्ट्राइक पर है, मैं डाल रहे हूँ। चलिए देखना है क्या होता है, 6 बोले 19 रनों की जरूरत, बहुत अच्छी बॉल और अंपायर के द्वारा 9 बॉल दी गई है, पेस की 9 बॉल दी गई है। चलिए 6 बोले 14 रन, गोलू 4 है ना, 4 टोटल 5 रन, 6 बॉल 14 रन। मैच का रुख बदलते हुए आप
देखना है क्या होता है। बहुत अच्छी बॉल और शॉट लगाया है, देखना क्या होता है। एक रनों के लिए पांच बॉल, 13 रनों की जरूरत, पांच बॉलों में 13 रनों की जरूरत। 64 बहुत अच्छी बॉल, लेकिन अच्छा संपर्क नहीं। चार बॉलों में 12 रनों की जरूरत, चार बॉल 12 रन। बहुत अच्छा शॉट लगाया और ये जानू के द्वारा काफी अच्छा कैच लिया गया। पैसा वसूल मैच अब तक का, तीन बॉल 12 रनों की जरूरत, काफी अच्छा मैच हो रहा है। तीन बॉलों में 12 रनों की जरूरत, अब तक का पैसा वसूल मैच। तीन बॉलों में 12 रनों की जरूरत, तीन बोले 12 रन, पप्पू स्ट्राइक पर है। बहुत ही अच्छा मैच आज का, पप्पू बहुत अच्छे स्ट्राइकर है, बना सकते हैं काफी आसानी से। और बहुत अच्छा शॉट और कैच, 10 रनों की जरूरत। देव के द्वारा कैच ड्रॉप किया गया, दो बॉलों में 10 रनों की जरूरत, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दो बोले 10 रन, पप्पू स्ट्राइक पर है और शुभम नॉन स्ट्राइक पर है। पटेल यहां पर चूक कर गए, कैच छोड़ा या मैच छोड़ा, देखते हैं क्या होता है। अगर इस मैच को एक चांस था, यहीं पर मैच खत्म हो सकता था। दो बोले 10 रनों की जरूरत, पप्पू स्ट्राइक पर है। ट्राई किया था देव भाई पटेल ने और हवा में बॉल, और ये पप्पू का विकेट गिरते हुए। एक बॉल 10 रनों की जरूरत, एक बॉल में 10 रनों की जरूरत। आप देख सकते हैं वीर सिन्हा को देखिए, वीर सिन्हा को देखिए। चलिए 10 रनों से यहां पर नाइट राइडर टीम मैच हार चुकी है। काफी अच्छा लो स्कोरिंग मैच था जो कि नाइट राइडर एक तरफा जीत रही थी। नाइट राइडर में काफी अच्छे प्लेयर्स आए थे आज, जिसमें नाइट राइडर ने करीब 4 से 5 गांव के मेन प्लेयर, 4 से 5 टीमों को खत्म कर बुलाए थे। बहुत अच्छे प्लेयर थे। चलिए ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। 10 रनों से मिक्की बॉयज ने यहाँ पर मैच जीता। ये उलट फेर आपको किसी का नहीं होता, लेकिन पूरी तरह से अपना। चलिए